हाँ तो मेरे भाई लोग, और कैसे हो? होपफुली सब बढ़िया होगे। तो दोस्तों आ चुके हैं एक और न्यू सोलो कॉन्करर रैंक पुशिंग वाली वीडियो में। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ ए स्टार 6 पे। आप कौन से टीयर पे पहुंच गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। अब दोस्तों अपन उतर जाते हैं इवेंट पे, और यहाँ पे उतरते के साथ ही अपने पहले तो भाई M249 से एक बंदे को पेल देते हैं और दूसरे बंदे को यहाँ पे MG3 से फिनिश कर देते हैं दोस्तों अपन। अब उतने में ही सामने के टनल में एक और बंदा स्पॉट होता अपने को। तो दोस्तों क्या आप लोग मिस्टर किशन वाईटी को जानते हो? कॉमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से बता देना। तो इन भाई सबको भी यहाँ पे इजिली तो फिनिश कर देते अपन दोस्तों। अब दोस्तों वहां पे ज्यादा टाइम रुकते हैं नहीं अपन, क्योंकि कौन सा कैंपर किस वक्त मार दे ये भी पता नहीं बिल्कुल भी। और अपन आ जाते हैं पोचंकी के हिल की साइड में, और यहाँ पे एक बंदा ऑलरेडी होल्ड किया हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे मतलब अपने साथ क्या हुआ, 2 मिनट में अपन आए और भाई 1 मिनट में अपन यहाँ से चल दिए, बिल्कुल भी वक्त का पता ही नहीं चला। तो वहां से पिटपिटा के दोस्तों अपन उतर जाते हैं स्कूल की तरफ, और यहाँ पे आने के बाद अपन निकल लेते हैं लूट वूट करके फोर्थ सर्कल की तरफ सीधा अभी। और ये पोजीशन मेरे को खाली मिल जाती है दोस्तों, तो मैं यहीं आगे होल्ड करने लग जाता हूँ। उतने में ही पीछे की साइड से अब मुझे गाड़ी का साउंड आता है और मैं देखने के लिए आता हूँ यहाँ पे, तो बंदा भी अपने को स्पॉट हो जाता है। तो उस भाई को अपन ने यहाँ पे अच्छा खासा तो डैमेज दे ही दिया था दोस्तों। अब वो भाई तो दोस्तों बच जाते, लेकिन अपन ने डैमेज खतरनाक वाला दिया था भाई को। उतने में ही सामने की तरफ से अपने को शॉट्स आते हैं। अब दोस्तों ये सेकेंड टाइम हुआ जो अपन ने मिस्टर किशन वाईटी को धो दिया भाई। अब पीछे सर्कल की साइड में जिधर बंदे को अपन ने स्प्रे दिया था, उस भाई को भी जोन माना था अभी, और वो जैसी जोन माने को ट्राई करता है भाई, जो ही तरीके से स्प्रे देके फिनिश करते हैं दोस्तों अपन यहाँ पे, बिल्कुल ही स्वाद आ गया। अब इस भाई को पहलने के बाद मैं निकल लेता हूँ यहाँ पे सर्कल की तरफ, क्योंकि नेक्स्ट जोन जो था मेरे से आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका था। लेकिन अब देखो यहाँ पे, अब भाई MK वाले ने जो ही तरीके से भाई हेडशॉट दिया था, मैं तो यहाँ पे बाल बाल बच गया। अगर यहाँ पे गलती से पीटी बन जाती तो गेम भी अपना ख़राब हो जाता, लेकिन उसके बावजूद अपन यहाँ पे बच गए थे। अब बारी थी मतलब निकलने की जोन में अपनी, तो मैं कर लेता हूँ अपनी बग्गी के ऊपर स्मोक, लेकिन स्मोक भी जो है काफ़ी बेकार तरीके से होता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम रुकता हूँ नहीं, निकल लेता हूँ। आप भी दोस्तों गाड़ी के ऊपर स्मोक वगैरह करके ही निकलिए, जैसे मैंने किया वैसे मत करना, वरना तो भाई शायद से आपकी पेटी बन सकती है। यहाँ पे मेरे पास कोई था नहीं तो अपन यहाँ पे बच जाते। अब दोस्तों इस जोन के बाद में काफ़ी सारे लोगों को मतलब भाई पोजिशन होल्ड करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप लोग पोजीशन मतलब पकड़ सकते हो। जैसे कि मतलब सर्कल चालू है, गाड़ी घुमाते जाओ और जो पोजीशन आपको बेटर लगे उस पोजीशन पे गाड़ी रुका दो अपनी। अगर बंदा भी होगा तो उससे 1v1 फाइट ले लो, जैसे कि अभी यहाँ पे होता है। अब
दोस्तों नेड वगैरह का जो है प्रॉपर यूज़ किया करो। जैसे कि देखो अभी सामने वाले के पास में DBS थी, अगर मैं यहाँ पे नेड नहीं डालता तो शायद से बंदे की HP भी भाई फुल रहती और अपनी पेटी भाई कंफर्म थी, क्योंकि DBS के अगेंस्ट बोले तो दोस्तों अगर एक भी DBS का शॉट पड़ जाता तो पेटी अपनी कन्फर्म लागू थी दोस्तों। लेकिन अपन यहाँ पर भाई को ईजिली फिनिश कर देते हैं। अब इतने में ही मुझे ऊपर की साइड में एक बंदा स्पॉट होता हवा में और उस भाई को मारने के लिए मैं चढ़ जाता हूँ भाई ऊपर की साइड। अब दोस्तों इस भाई को तो अपन फिनिश कर देते हैं, लेकिन भाई ये जो मतलब गिलिस उड़ाला बंदा था ये भाई अपने को फिनिश कर देता है। लेकिन अपन यहाँ पे भाई 31 का प्लस ले लेते हैं उसके बावजूद दोस्तों इस मास्टर पे वो भी। बात करें अपने सेकंड गेम प्ले की तो अपन उतर चुके थे यहाँ पे इवेंट पे और एक बंदे को अपन ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था, लेकिन वो भाई भी यहाँ से बच जाता है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं करता हूँ, नहीं सीधा मैं पुश मार देता हूँ ट्रिपल स्टोरी वाले बंदे के ऊपर। अब दोस्तों मैं यहाँ पे रिस्क इसीलिए लेता हूँ क्योंकि भाई मेरे पास रिकॉल पड़ा था। आपके पास अगर रिकॉल वगैरह नहीं हो तो ऐसा रिस्क कभी भी मत लीजिए दोस्तों, ताकि जो है आपको माइनस बिल्कुल भी ना हो। अब जैसे भाई मतलब मैं आगे के शेक वाले बंदे के ऊपर यहाँ पे नेड करने जा रहा था, उतने में ही ये भाई पीछे की साइड से कहाँ से आ गए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो इस भाई को यहाँ पे तो भर देते अपन, उतने में ही सामने की साइड से मुझे गाड़ी का साउंड आता है। तो इस भाई साहब को भी दोस्तों यहाँ पे इजीली स्प्रे दे के फिनिश कर देते। अब बारी थी जिसके ऊपर अपन स्टार्टिंग में नेट डालने वाले थे अभी, अब मैं सीधा उस बंदे के ऊपर यहाँ पे पुश मार देता हूँ। लेकिन लकीली दोस्तों यहाँ पे कोई होता है नहीं और मैं जैसे ही मतलब भाई ऊपर के साइड में जाता हूँ मुझे साउंड आता है एक बंदे का। लेकिन ये अपने प्यारे बॉट भैया निकलते तो इन भैया को भी अपन पेल देते हैं यहाँ पे और अपने 4 किल तो दोस्तों इजीली हो ही चुके थे। अब मेरे को सामने की साइड से फुटस्टेप आ रहे थे ट्रिपल स्टोरी से, तो मैं यहाँ पे मॉली ट्राई करता हूँ। लेकिन ये भाई साहब अपने ऊपर यहाँ पे पुश मार देते हैं और दोस्तों देखो अपन यहाँ पे कितनी बड़ी गलती कर देते हैं। अब भाई अगर मैं यहाँ पे मॉली नहीं डालता ना दोस्तों तो कन्फर्म मैं उस बंदे की पेटी बना देता, लेकिन यहाँ पे मेरे से इतनी बड़ी भूल हो जाती है कि अपनी ही पेटी बन जाती है, वो भी अपनी ही मॉली से। इतनी गंदी मौत भाई मैंने कभी मरा नहीं, लेकिन क्या ही बोले दोस्तों, जब नसीब हो पांडु तो क्या करेगा, आप आगे समझ ही सकते हो दोस्तों। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे स्क्वाड हाउस होल्ड करने के लिए, क्योंकि सोन भी जो है यहीं का ही बना हुआ था और मैं जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आता हूँ ना मुझे रीच की साइड में मतलब एक गिली सूट वाला बंदा दिखता है। तो इस बंदे को पेलने का तो अपन काफी ज्यादा ट्राई करते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब दोस्तों जिस तरीके से वो बंदा भाई पिक करके बैठा हुआ था ना मेरे ऊपर, मुझे तो कंफर्म डाउट था कि भाई बंदे के पास में शायद स्नाइपर है, कोई ना कोई ऐसी गन है जिससे भाई बंदा अपना माथा फोड़ के डायरेक्टली भाई अपने को पेल सकता है। मैं यहाँ पे थोड़ा रिस्क नहीं लेता।
और दोस्तों सरकते सरकते जिस तरीके से अपन घर में जाते हैं ना और इस भाई को पेलते, बिल्कुल ही मतलब एकदम ही स्वाद अनुसार था ये सीज। अब थोड़ी ही देर बाद यहाँ से एक गाड़ी की रोटेशन आती है और जिस तरीके से इस भाई को उतारा है ना दोस्तों, बिल्कुल ही आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोगों को स्प्रेस कैसे लग रहे हैं आपके भाई के। थोड़ी बहुत जो है मेहनत करी है दोस्तों। अब नेक्स्ट सर्कल जो था वो रिच की साइड में शिफ्ट हो जाता है, तो मैं यहीं पर ही आ जाता हूँ भाई होल्ड करने के लिए। और उस बंदे की क्रिएट में से, मतलब जिस बंदे को अपन ने पेला था, तो उस बंदे की क्रिएट में से भाई गिल्यू सूट वगैरह उठा लेंगे अपन, ताकि जो है अपने को थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल जाए। अब थोड़ी ही देर बाद यहाँ से एक कैप्सूल की रोटेशन आती है, लेकिन जिस तरीके से इस भाई को अपन ने निकाला दोस्तों, बिल्कुल ही मजा आ गया। और इस भाई को फिनिश करने के बाद में एक दो रोटेशन और आती है और यहाँ पे होने वाली है फाइट, वो भी खतरनाक तरीके से। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा ट्राई किया इस भाई को पेलने का, लेकिन ये भाई अपने को ही फिनिश कर देते दोस्तों। तो अपने को इस लॉबी में जो प्लस हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 20 का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को गेम प्ले पसंद आया हो और आप लोगों की रैंक पुशिंग में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम मतलब सॉल्व हो रही हो। अब दोस्तों आप लोगों को पता है भाई अपने शायद से जो है आज के दिन पे भाई 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो भाई उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि भाई आप लोग सेकेंड टाइम जो है अपने को भाई 1K फैमिली कंप्लीट करा रहे हो, तो उस चीज़ के लिए भाई दिल से बहुत ज़्यादा खुशी है। तो मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो दिल से दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर से बता देना, और चैनल पे जो जो न्यू हो मेरे प्यारे भाइयों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं कल की बेहतरीन वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम मेरे प्यारे भाइयों।